हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें डिजीज होती कैसे है और किसी डिजीज की पैथोलॉजी को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और होम्योपैथी मेडिसिन से किसी डिजीज की पैथोलॉजी को कैसे स्टॉप किया जा सकता है या किसी डिजीज की पैथोलॉजी को कैसे रिवर्स ऑर्डर में लाया जा सकता है, तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, या इसी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, नंबर एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो दिन के समय एक्टिवेट होता है, डे टाइम में, सन राइज टू सनसेट दिन के समय हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का दो काम होता है, फाइट या फ्लाइट, किसी सिचुएशन से मुझे लड़ना है या वहां से भाग जाना है, ये काम होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का। और इसका क्या काम होता है, अलर्टनेस, फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी लेवल, हमें कार ड्राइव करना है, हमें पढ़ना है, हमें जाना है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ जितना कॉन्शस माइंड हमारा अलाउ करता है, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो सारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। अच्छा, कोई मुझे स्ट्रेस आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, उसको कौन गवर्न करेगा, उसको सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। अब हम समझते हैं कि पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रात के समय एक्टिवेट होता है, सनसेट टू सनलाइट पैरासिंपथेटिक एक्टिवेट होता है, जहां डार्क फेज होता है। पैरासिंपथेटिक का जो मेन फंक्शन होता है वो छह मेन फंक्शन होते हैं, फूडिंग, स्लीपिंग, रिपेयरिंग, हीलिंग, इम्यून बूस्टर एंड सेक्स पावर। फिर से बता रहा हूं, फूडिंग, स्लीपिंग, रिपेयरिंग, हीलिंग, इम्यून बूस्टर एंड सेक्स पावर। एक चीज समझते हैं कि जितने ऑर्गन होते हैं, कार्डियक ऑर्गन हो गए, रिस्पायरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जेनाइटल सिस्टम हो गया, इस पे सब पे सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक का इनर्वेशन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका एलाइट पार्ट क्या होता है, सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक, या इसके एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन होते हैं, सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन होता है, जैसे कार्डियक सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम। तो इन सारे ऑर्गन को सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक कंट्रोल करते हैं। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यून पावर, यानी कि पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जितना हमारा बढ़िया एक्टिवेट होगा, उतना इम्यून पावर हमारा उतना स्ट्रांग होगा। अगर सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक रिदम में है, यानी कि दिन के समय हमारा सिंपथेटिक एक्टिवेट होता है और रात के समय हमारा पैरासिंपथेटिक एक्टिवेट होता है, तो डिजीज हमें नहीं होगी। और अगर डिजीज हो भी गई है तो उसकी पैथोलॉजी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एलाइट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत अच्छा है, बाबा रामदेव जो कहते हैं कि मैंने कैंसर सही किया, मैंने डायबिटीज सही किया, मैंने ब्लड प्रेशर सही किया, मैंने आर्थराइटिस सही कर देता हूँ, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे जेनेटिक डिसऑर्डर हो, या लाइफ स्टाइल कोई भी डिजीज हो, उनका कोडिंग होता है ये। तो वो क्या करते हैं कि वो सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक के केवल रिदम को सही करते हैं। असिम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक का अगर रिदम सही हो गया तो इम्यून, मैंने बताया पैरासिम्पथेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यून बूस्टर, तो पैरासिम्पथेटिक हमारा सही से एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से इम्यून पावर हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डिजीज ऑटोमेटिक रिपेल हो जाएगी। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम समझते हैं कि सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक हमारा कैसे डिस्टर्ब होता है और हमें डिजीज कैसे हो जाती है, या अगर कोई डिजीज मुझे है तो उसकी पैथोलॉजी कैसे बढ़ जाती है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे।